व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 55 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग स्ट्रॉ हैट पायरेट क्रू को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि ग्रैंड लाइन के दोनों तरफ जो काम बेल्ट एरिया है, वहाँ पर उन लोगों का गोइंग मेरी फंस चुका है और वहाँ पर थोड़ा सा भी हवा नहीं है, तो उन लोगों का जो बोट है वो आगे ही नहीं बढ़ता, एक ही जगह पर रुका हुआ है। ना तो वहाँ पर पानी में कोई करंट है, ना तो कोई हवा चल रहा है, तो उन लोगों का बोट थोड़ा सा भी आगे नहीं जा रहा। तो इस सिचुएशन की वजह से नामी तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, लेकिन बाकी के सारे क्रूमेट बहुत ज़्यादा क्लूलेस रहते हैं। और उसके बाद नामी कहती है कि ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो सब लोग मानते नहीं कि ये जगह डेंजरस है, ये तो बहुत ही ज़्यादा शांत जगह है। तो जो नामी है वो कहती है कि ये डेंजरस है इसलिए, और नामी अपना बात भी ख़त्म नहीं कर पाती। उसके पानी के नीचे से, मतलब जो गोइंग मैरी है उसके नीचे से बहुत बड़े बड़े सीकिंग निकलते हैं, और वो सीकिंग नॉर्मल सीकिंग से 100 times बिगर है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इतना बड़ा है कि उन लोगों का जो शिप है, जो गोइंग मैरी है, वो एक सीकिंग के सर में है और वो दिख भी नहीं रहा है, इतना बड़ा बड़ा है ये सीकिंग। और ये देखने के बाद सब लोगों की फट जाती है। तो नामी कहती है कि ये एक और डेंजरस सिचुएशन है, और इसलिए जो नेवी के बैटलशिप है वो सारे के सारे हम लोगों का पीछा छोड़ दिए थे, हम लोगों के पीछे पीछे यहाँ पर नहीं आया था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नीचे एक छोटा सा सीकिंग है जो कि उन लोगों के शिप के ऊपर हमला करता है उस सब की आवाज़ के वजह से। और जब वो हमला करने के लिए आ ही रहा होता है, उसके मुँह में जो एपिस है वो गिरने वाली थी, लेकिन लूफी अपने हाथ को बड़ा कर लेता है और करके उसको पकड़ लेती है। और जब उसे ऊपर की तरफ उठा ही रहा होता है, तब वो जो एपिस है वो कहती है कि प्लीज़ मुझे उस सीकिंग के नाक के पास ले चलो। तो लूफी अपने हाथ को स्ट्रेच करता है और एपिस को उस जाइंट सीकिंग के नाक के पास ले जाता है। जब एपिस नाक के पास पहुंच जाता है, उस सीकिंग के नाक के एक बाल को उखाड़ लेती है, जिससे कि उस सीकिंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और सुसरी भी लगता है, जिसकी वजह से उसे एक बहुत बड़ा स्नीज आता है। और ये वाला स्नीज इतना ही ज़्यादा पावरफुल है, जो गोइंग मैरी है वो उड़ते हुए वो काम बेल्ट बैरियर के बाहर जाके गिरता है और सब लोग बच जाते हैं। सब लोग कहते हैं एपिस तुम्हारी इस चतुराई की वजह से हम लोगों का जान बच गया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके हम लोग थोड़ी देर बाद का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि गोइंग मैरी एपिस के होम आइसलैंड पे पहुंच चुका है, और वो है वारशिप आइलैंड, क्योंकि वो जो आइलैंड है वो वारशिप जैसा ही दिखता है। पहले लूफी और जोरो जो थे उन लोगों ने देख के सोचा था कि एक बहुत ही बड़ा बैटलशिप आ रहा है, लेकिन बाद में उन लोगों को पता चलता है कि ये तो बस एक आइलैंड है। उस आइलैंड के जो लोग हैं वो लोग देखते हैं कि एक पायरेट शिप उन लोगों के आइलैंड की तरफ आ रहा है, तो सब लोग फाइट के लिए रेडी होते हैं। लेकिन जब लूफी का शिप आके रुकता है, वहाँ से एपिस निकलती है और कहती है कि मैं वापस आ चुकी हूँ। तो सब लोग ये देखने के बाद हैरान रह जाते हैं कि जो एपिस है उन लोगों के गाँव का लड़की है वो एक पायरेट शिप से उतर रही है। तो वो जो लड़की एपिस है वो कहती है कि ये सारे के सारे अच्छे पायरेट है, ये है लूफी, नेवी वालों ने मुझे जब पकड़ लिया था लूफी ने मुझे बचाया है, ये सारे के सारे अच्छे पायरेट्स है। तो जो विलेजर्स है वो लोग कहते हैं कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो नेवी के ऑफिसर्स है वो अभी भी तुमको ढूंढ रहे हैं, अगर तुम घर जाओगे तो शायद पकड़े जाओगे, तुम घर पे मत जाओ, अब हम लोग क्या करें। तो एपिस भी कहती है कि ये तो बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है। और तभी हम लोग देखते हैं कि एपिस के ग्रैंडफादर वहाँ पर आ जाते हैं और एपिस को पकड़ के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और वो लूफी और उसके क्रूमेट का थैंक यू करते हैं एपिस को बचाने के लिए। और उसके बाद कहते हैं कि मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोगों के लिए एक बैंक्विन का आयोजन कर सकता हूँ, मतलब खाने पीने का बंदोबस्त कर सकता हूँ। तो लूफी कहता है कि क्या यहाँ पर बारबेक्यू मिलेगा, तो वो कहता है कि नहीं बारबेक्यू तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे डंपलिंग्स बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, चलो मैं तुम लोगों को यही खिलाऊंगा। तो लूफी और सारे के सारे लोग तैयार हो जाते हैं उस एपिस के ग्रैंडफादर के घर में जाने के लिए, और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग दूर एक नेवी का शिप देखते हैं, वहाँ पर एक नेवी ऑफिसर टेलीस्कोप लगा के देखता है कि लूफी का जो पायरेट शिप है वो इस आइलैंड पर रुका है, और जो बच्ची है एपिस जिनको वो लोग ढूंढ रहे हैं वो भी वहाँ पर है। तो वो सीधा अपने हेडक्वार्टर पर कॉल लगाता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग एपिस का घर देखते हैं। हम लोग देखते हैं लूफी और उसका क्रू वहाँ पर पहुँच चुका है, और एपिस का जो ग्रैंडफादर है उसने स्टीम बर्न
सामान बैठा दिया है तैयार करके, और कहता है कि जब ये स्टीम हो जाएगा उसके बाद हम लोग खा पाएंगे। तो लूफी कहता है कि मेरे से तो और इंतज़ार ही नहीं हो रहा। तो जो सांजी है वो कहता है कि और कितना टाइम लगेगा, तो जो उसका ग्रैंडफादर है वो कहता है कि 5-6 घंटे टाइम लगेगा। तो वो लोग साइड में बैठ जाते हैं। लूफी कहता है कि अरे मुझे तो अभी से भूख लग रहा है, मैं क्या करूँ। तो जो नामी है वो एपिस के ग्रैंडफादर से पूछती है कि एपिस को नेवी वालों ने क्यों पकड़ के ले गया था, क्या आपको कोई आइडिया है। तो उसका जो ग्रैंडफादर है वो कहता है कि मुझे तो कोई भी आइडिया नहीं है किस लिए पकड़ के ले गया था। और उसके बाद वो अपने ग्रैंड डॉटर से पूछता है कि तुम्हें क्यों पकड़ के ले गया था, क्या तुम्हें कोई आइडिया है। तो जो एपिस है वो कहती है कि नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है मुझे क्यों पकड़ के ले गया है, लेकिन एपिस यहाँ पर झूठ बोल रही है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, इसलिए एपिस का जो ग्रैंडफादर है वो एक कहानी बोलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो कहानी बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है। एंशियन टाइम का कहानी बताता है जब ड्रैगन एग्जिस्ट करते थे। ड्रैगन का पावर एक डिवाइन पावर है जिसके कोर जिसके एलिक्सर को हासिल करने के बाद लोग भी इमोर्टल बन सकते हैं, इस तरह का कहानी बताता है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा बोर होते हैं, तो हमारा जो एपिस होता है वो वहाँ से निकल लेती है, कट लेती है, क्योंकि उसको वो कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो कहानी बार बार उसके ग्रैंडफादर से उसने सुना है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद लूफी भी वहाँ से उठ के चला जाता है, और लूफी के पीछे पीछे नामी भी चली जाती है वहाँ से। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जो एपिस है वो किचन में जाती है, और जाने के बाद जितने सारे स्टीम डंपलिंग्स है सारे के सारे डंपलिंग्स को अपने बैग में भरती है और भर के वहाँ से जा रही होती है। लेकिन पीछे से लूफी आ रहा होता है, वो आधा नींद में चल रहा है, और लूफी सामने आते ही गिर जाता है क्योंकि वो नींद में ही है, वो सो जाता है। और जो एपिस है वो लूफी के मुंह में एक डंपलिंग रख के सारा का सारा डंपलिंग अपने साथ लेके वहाँ से चली जाती है। तो उसके थोड़ी देर बाद नामी वहाँ पर जाके पहुँचती है और वो देखती है कि वहाँ पर लूफी गिरा हुआ है, तो लूफी को जगाने की कोशिश करती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी जब जगता है वो जो डंपलिंग है वो उसके मुँह में गिर जाता है और वो खाने लग जाता है और कहता है कि ये डंपलिंग तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जो नामी है वो कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने सारा का सारा डंपलिंग अकेले ही खा गया, अब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर तो और भी ज़्यादा गेस्ट है और भी हमारे टीम के क्रू मेंबर्स है, और जो वहाँ पर ग्रैंडपा बैठा हुआ है अपिस का भी तूने ख्याल नहीं किया, तूने सारा का सारा डंपलिंग खा गया। तो लूफी कहता है कि नहीं मैंने नहीं खाया। और उसके थोड़ी देर बाद ही नामी को पता चलता है कि वहाँ पर रेंगने की निशान है, और वो कहती है कि लगता है तूने नहीं खाया, किसी ने खाना चुरा लिया है। तो जो लूफी है वो कहता है कि कौन खाना चुराएगा। तो वो लोग उस जो निशान है जो रेंगने का निशान है उस निशान को फॉलो करते हुए वो लोग जा रहे हैं, और वो लोग एक पहाड़ के पीछे की तरफ आके रुकते हैं और देखता है कि जो निशान है वो पहाड़ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो वो लोग भी फॉलो करते हैं, और फॉलो करते करते वो लोग पहाड़ के बहुत ऊपर चले जाते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी और नामी एक गुफा के सामने जाके पहुँचता है, और गुफा के अंदर से किसी की बात करने की आवाज़ आ रहा है। तो जो नामी है वो कहती है कि अरे ये तो अपीस की आवाज़ है, अपीस किसी के साथ बात कर रही है, लेकिन किसके साथ बात कर रही है। जो अपीस है उसके आवाज़ में ये पता चलता है कि अपीस किसी को खाना दे रहा है, और जिसे खाना दे रहा है वो वहाँ से हिल नहीं पा रहा है, और वो सारा का सारा जो डंपलिंग्स है वो दबा के खा रहा है। तो लूफी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि ये कौन है, और नामी भी उसके पीछे पीछे पहुँचती है। और जाने के बाद देखने के बाद नामी भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और वो कहती है कि मैंने सोचा था ये सब कुछ कहानियों में होता है, लेकिन ये सच में है, ये तो एक ड्रैगन है। जो लूफी है वो कहता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्या ये जिंदा है। और जो एपिस है वो कहती है कि नहीं प्लीज़ उसके सामने मत जाओ, प्लीज़ उसके सामने मत जाओ, लेकिन लूफी उसको चारों तरफ से देख रहा है। और उसके बाद लूफी कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो जो ड्रैगन है उसका आँखें बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, और उसे देखने के बाद लूफी को कुछ रियलाइजेशन होता है, और वो कहता है कि तुम अपना घर जाना चाहते हो, है ना। तो जो एपिस है वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो लूफी कहता है कि मुझे बस ऐसे ही लगा कि वो घर जाना चाहता है। और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि जो एपिस है उसके पास भी एक डेविल फ्रूट पावर है, और उस डेविल फ्रूट के पावर के वजह से वो सारे के सारे जीव जंतु के साथ बात कर सकता है, उन सारे के सारे जीव जंतु के भावनाओं को वो फील कर सकती है। और इसी तरीके से उसने इस ड्रैगन के साथ मिला है। जब ये ड्रैगन पहली बार एपिस को मिला था वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बिछड़ गया था, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा भी पावर नहीं है और ये ड्रैगन बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है, इसलिए वो नहीं जा पा रहा है। तो जो लूफी है उसको वो कहती है कि ये जो ड्रैगन है वो अपने घर जाना चाहता है, जो जिसका नाम है लॉस्ट आइलैंड। तो जो नामी है वो कहती है कि ये तो बस कहानियों में है, लॉस्ट आइलैंड तो एक्चुअली में है भी नहीं, मैप पे भी लॉस्ट आइलैंड नहीं है। तो जो एपिस है वो कहती है कि तुम लोगों को तो लगा था कि ड्रैगन भी कहानी है, लेकिन ये तो ज़िंदा है ना तुम लोगों के सामने सच में, तो जो लॉस्ट आइलैंड है वो भी है। तो जो लूफी है वो उसको प्रॉमिस कर देता है, और वो कहता है कि मैं मदद करूंगा तुम लोगों को लॉस्ट आइलैंड को ढूंढने में। और ये सुनने के बाद एपिस और वो
और ड्रैगन दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि लूफी ने वादा किया है कि लूफी उन लोगों के साथ मिलकर उस लॉस्ट आइलैंड को ढूंढेगा। तो जो नामी है वो कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम लोगों का मदद करूंगा उस लॉस्ट आइलैंड को ढूंढने में, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग नेवी के इविल ऑफिसर को देखते हैं। सब लोग इस आइलैंड पर आ रहे हैं एपिस को पकड़ने के लिए क्योंकि वो ही लड़की उन लोगों का लास्ट होप है, लास्ट क्लू है वो इमॉर्टल एक्सिलर का। क्योंकि एपिस को जब पहली बार वो ड्रैगन मिला था उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो प्रूफ लेके नेवी वालों के पास गया था मदद मांगने के लिए, लेकिन जो नेवी के ऑफिसर है वो लोग बहुत ही ज़्यादा इविल थे। उन लोगों ने एपिस को ही पकड़ लिया था अपने फ़ायदे के लिए क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है और वो लोग अभी इस आइलैंड पे आ रहे हैं एपिस को पकड़ने के लिए। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है, ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।